Hey guys, welcome back to my channel and welcome to the third episode of Bridal Eyes Makeup Week. तो आज के लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है. ये है एक डबल कट क्रीज विथ हॉलो ग्लिटर्स. बहुत सारा कुछ मैंने किया है. थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. फर्स्ट मैं ले रही हूँ एक कंसीलर. दिस इज़ द एल्फ कंसीलर और ये एक बहुत ही फुल कवरेज थिक कंसिस्टेंसी का कंसीलर है. जब कभी भी आपको आईज मेकअप करना है आप एक थिक कंसिस्टेंसी का कंसीलर चूज़ करो. इससे आई शेडोज बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. तो इससे मैं अपने आईब्रोज के नीचे को क्लीन कर लूँगी एंड मैं अपने आईलिड्स में भी इसको अप्लाई करूँगी एक स्मूथ सा बेस पाने के लिए. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसके मदद से मैं अपने पूरे आईलिड को सेट कर लूँगी. आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी मॉर्फी जैकलिन हिल वॉल्यूम 2 एंड इससे मैं पिक करूँगी एक ब्राउन कलर का शेड एंड इसको मैं अपने पूरे क्रीज लाइन पे डिपॉजिट करूँगी. आज मैंने जो ब्रश लिया है थोड़ा सा छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है तो इसको अच्छे से मैं अपने क्रीज में रन करूँगी ताकि एक बहुत ही स्मूथ सा ट्रांजिशन मिले. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस शेड. दिस इज़ कॉल्ड क्रेजी और इसको मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से अपने क्रीज में डिपॉजिट करूँगी. पहले हम अप्लाई कर लेंगे फिर हम ब्लेंड करेंगे. नेक्स्ट आई एम पिकिंग अप दिस ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज़ कफ्स एंड लैशेज एक साई स्टाइल कलेक्शन से है एंड दिस इज़ इन द नंबर 05 और इसके मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी दोनों शेड को. नेक्स्ट मैं अपने क्रीज को डेप्थ करने के लिए एक ब्लैक शेड पिक करूँगी एंड इसको ठीक ये मरून शेड के नीचे अप्लाई करूँगी एंड वी विल हैव टू मेक श्योर कि दोनों शेड अच्छे से ब्लेंडेड हो जाए. तो इसलिए आपको ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करना होगा. नेक्स्ट मैंने एक कंसीलर लिया है और मैं अभी जहाँ पे मुझे क्रीज को कट करना है उस एरिया को अच्छे से मार्क कर लूँगी. आफ्टर दैट इज़ डन मैं लूँगी माई सेलर वाटर और इसको एक कॉटन क्यू टिप में लूँगी एंड लेकर मैं अपने आईलिड्स को क्लीन कर लूँगी. जो भी फॉल आउट है आई शेडोज से वो कवर अप हो जाएगा. नेक्स्ट मैं वही सेम कंसीलर लेके अपने आईलिड्स को पेंट कर लूँगी. यहाँ पे हमारा कट क्रीज बहुत ही डिफाइन और अच्छा दिखेगा बिकॉज हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था पहले एंड अभी अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लेंगे. नेक्स्ट मैं लूँगी ये वाइट कलर का शेड एंड इसको मैं अपने कट क्रीज में अप्लाई करूँगी. हम लोग डबल कट क्रीज करने जा रहे हैं तो हम बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे तो इसके लिए मैंने वाइट आई शेडो को अच्छे से अप्लाई किया है. जहाँ पर भी हमारा नेगेटिव स्पेस हम बनाएंगे तो वहाँ पे मैं रख दूँगी. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस रेडिश कलर शिमर शेड एंड इसमें थोड़ा सा ग्लिटर्स भी है तो इसको मुझे दोनों साइड्स पे मैं स्टिक करूँगी एंड बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूँगी एंड जो आउटर वी एरिया है वहाँ पे वी शेप में अप्लाई करना है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने एंगुलर ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा एप्लीकेशन बहुत ही प्रिसाइज रहे. नेक्स्ट आई एम पिकिंग अप दिस डार्क गोल्ड शेड एंड इसको रेड शेड के बीचों बीच मैं अप्लाई करूँगी. ये करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन वंस यू डू इट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. इससे हमें एक हॉलो क्रिएट किया. नेक्स्ट आई एम पिकिंग अप दिस गोल्डन ग्लिटरी शेड एंड इसको उस डार्क गोल्ड शेड के ऊपर अप्लाई करूँगी. ये एक बहुत ही अच्छा सा टॉपर शेड है. नेक्स्ट आई एम डूइंग माई आई लाइनर एंड जब भी मैं आई लाइनर करती हूँ मेरा कैमरा ब्लर होने लगता है एंड मैं ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ तो ब्लर होने लगता है.
तो यहाँ पे मैंने लिया है फेसेस का पेन लाइनर। इसकी मदद से हम एक अच्छा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। तो साइड पे ऑलरेडी मैंने विंग शेप में क्रिएट किया था, तो इट विल बी मच इजियर आईलाइनर क्रिएट करने के लिए। एंड इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इनर कॉर्नर कैसे क्रिएट करना है। तो ऊपर से जो लाइनर क्रिएट किया था वहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है एंड उसको एक वी शेप में क्रिएट करना है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द काजल पेंसिल, दिस इज़ फ्रॉम फेसेस, एंड इसको लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग अ ब्लैक आई शेडो, तो इससे मैं थिकन अप कर लूँगी अपने काजल को। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस बर्गंडी काइंड ऑफ शेड जो उसका नाम था क्रेजी। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्राउन शेड। तो ऊपर जो हमने किया था मैं सेम स्टेप्स नीचे भी रिपीट करूँगी। यहाँ पे हम डार्कर से लाइटर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है कंसीलर अपने अंडर आइज एरिया को ब्राइटन अप करने के लिए। नाउ आई एम अप्लाइंग सम मस्कारा एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ न्यू मस्कारा, दिस इज़ फ्रॉम लोटस। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट मस्कारा था जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था एंड आई टोटली लव इट बिकॉज़ ये एक बहुत ही अच्छा लेंथनिंग मस्कारा है। तो इसको मैं अपने लोअर लैशेस पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट टाइम टेकिंग अ ग्लिटर ग्लू एंड ग्लिटर ग्लू को मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने वो हॉलो क्रिएट किया था विद दैट गोल्डन शेड, वहाँ पे मैं ग्लिटर्स अप्लाई करूँगी। सिर्फ आपको बीच वाले एरिया में ग्लिटर को अप्लाई करना है, इससे एक बहुत ही हाइलाइटेड सा लुक आता है। नेक्स्ट मैं लैशेस अप्लाई करूँगी, ये मेरा फेवरेट लैशेस है। यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर का। एंड गाइज ये लैशेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव यूजिंग दिस लैशेस। ये बहुत ही लॉन्ग है एंड बहुत ही थिन है, इससे आईलिड्स ज़्यादा कवर नहीं होता है एंड इट लुक्स रियली गुड। दिस इज़ माई फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। बाय।